क्या आपकी भी स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो जाती है? ऐसा कई सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, वो हर साल स्कॉलरशिप भरते हैं और उनकी स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो जाती है, लेकिन इसका मेन रीजन क्या है इसके बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता। आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं सवालों के बारे में। नमस्कार, दिस इज प्रवीण जयसिंह, CEO एट इनसाइट्स ऑफ करियर, जहां हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में एकदम आसान भाषा में। सबसे पहली चीज, ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि स्कॉलरशिप होती क्या है। जिन स्टूडेंट्स को पता होता है स्कॉलरशिप के बारे में, उन्हें ये नहीं पता होता कि उसे फिल कैसे करना है, जिसकी वजह से हमारी स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो जाती है। तो आज हम समझते हैं कुछ एक पॉइंट्स जिनसे कि हमारी स्कॉलरशिप आने के चांस बढ़ जाएंगे, और अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप आपको 100% मिलने वाली है। सो लेट्स अनबॉक्स एजुकेशन। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स एक ही एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हैं, एक ही स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं, जिससे कि चांस स्कॉलरशिप मिलने के कम होते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने एक ही स्कॉलरशिप को भरा है तो उसमें आप रिजेक्ट भी हो जाते हैं, और अगर आप एक ही स्कॉलरशिप भरेंगे और आप रिजेक्ट हो गए तो दैट मीन्स आपके पास कोई रास्ता नहीं है। तो आपको कोशिश करना है कि 4 से 5 स्कॉलरशिप में भरें, ताकि आपके जो चांस हैं वो इंक्रीज हो जाए। इसके बाद दूसरा पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हमें किसी भी स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, हमें उसके बारे में पता नहीं होता है, सिर्फ हमने स्कॉलरशिप के बारे में सुना और हमने उसका एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया। तो हमें ऐसा नहीं करना है, किसी भी स्कॉलरशिप को फिल करने से पहले हमें उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए, क्योंकि स्कॉलरशिप अलग अलग तरह की होती है। कुछ स्कॉलरशिप स्कूल बेस्ड होती हैं, कुछ स्कॉलरशिप कॉलेज बेस्ड होती हैं। जो स्कूल बेस्ड होती हैं उसमें आपको 10th, 11th, 12th इन 3 बेसिस पे होती हैं, और जो कॉलेज बेस्ड होती हैं वो आपकी डिग्री पे डिपेंड करती हैं। क्योंकि कुछ स्कॉलरशिप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, और कुछ सिर्फ कॉलेज वाले ही प्रोवाइड कराते हैं जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपकी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे आप अच्छे से नहीं भरते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कैसे करना है, तो जितना उन्हें समझ में आता है उन्होंने उसे फिल किया और सबमिट कर दिया। तो इसमें भी आपके चांस बढ़ जाते हैं कि वो स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई है उसे आप सही प्रॉपर वे में नहीं देंगे तो स्कॉलरशिप में आप कन्फर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसे फिल कैसे करना है, इन चीज़ों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि हर स्कॉलरशिप में आपसे अलग डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की जाती है, लेकिन कुछ एक डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं, जो हर स्कॉलरशिप वाले डिमांड करते हैं, जिनमें कि सबसे मेन है आपका इनकम सर्टिफिकेट। क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट के बिहाफ पे ही आप बता सकते हैं कि मैं इकोनॉमिकली वीक हूँ, जिस वजह से मुझे स्कॉलरशिप चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर स्कॉलरशिप प्रोग्राम इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स के लिए ही होते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में आपको ये भी ध्यान देना है कि आपके पास 12th में या आपकी जो भी डिग्री है उसमें आपके पास जो डिमांड की हुई परसेंटेज है वो भी होनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर स्कॉलरशिप उन्हीं स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं जिनकी परसेंटेज ज़्यादा हो, 70, 80 या उससे भी अब। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मेरे साथ बने रहिए इनसाइट्स ऑफ करियर में। नमस्कार।